गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। आज फिर से मैं शूट कर रही हूँ बिहाइंड द सीन व्लॉग। प्रिया इज़ व्लॉगिंग टुडे। तो आज शुरू करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आज भी मेरा शूट का डे है, वीडियोस शूट करने हैं मुझे कुछ ब्रांड्स के कुछ अपने, और टाइम हो चुका है 12:20 दोपहर के। तो इससे पहले कि मैं वीडियोस शुरू करूँ, मैं अभी भी नहा कर आई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है। मैं पहले किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर दूँगी, सब्जी बना दूंगी, ताकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच में उठ के बस सिर्फ चपाती बनानी हो। और आज मैंने कुछ और भी खास बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये देख लो आप, ड्राइंग रूम में अभी तक मेरा ये लगा हुआ है एनिवर्सरी का बैकग्राउंड। मेरी एनिवर्सरी थी 11th दिसंबर को, और मैंने कुछ रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर डाली थी। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो देखने के लिए। फोटोग्राफ्स भी डाली थी और यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया था। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन मैंने अभी ये हटाया नहीं, बिकॉज सब कुछ ठीक ठाक लगा हुआ है। मतलब आज 15 दिसंबर है, तो 4 दिन बाद भी एक भी बैलून को कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा रख लिया है जो मुझे आज वीडियोस शूट करने हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज सुबह किचन में क्या बनाया था। यस, ये देखो, भरवा हरी मिर्च मसालेदार। इसका छोटा सा रेसिपी क्लिप मैं डालूंगी, कहीं तो डालूंगी, या तो अपने प्रियाज किचन पे शॉर्ट डालूंगी, या फिर हो सकता है इस व्लॉग में भी इंक्लूड कर दूं। और ये मैंने सुबह बनाई थी थोड़ी सी शिमला मिर्च आलू। शिमला मिर्च इसमें से ख़त्म हो गई, आलू आलू बच गए हैं। और ये मैंने बनाया था सब्जी वाला दलिया मोहित और मम्मी के लिए। आपके जीजू का पेट जो है वो 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है, तो इसलिए उनके लाइट लाइट चीज़ें बना रही हूँ। मम्मी भी लाइट चीज़ें खा लेती हैं। तो नाश्ता हो चुका है, इसमें मैंने हरी मिर्ची अभी फ्राई करी थी ना, ये वाली। अब मैं दोपहर के लिए बनाने वाली हूँ मटर आलू पनीर। गाइज, आई नो ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ना, ये पिछले महीने का है, काफ़ी लेट हो गया, लेकिन मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग करके रखी हुई थी बिहाइंड द सीन वाली, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर तो करना ही था। तो ये बहुत वेकेशन पे जाने से काफ़ी पहले का वीडियो है। एंड में मैं आपको एक छोटा सा रीकैप ऑफ माय गोवा वेकेशन भी दिखा रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपने मेरे वेकेशन व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक करना, 4 व्लॉग्स हैं। हम गए थे 7 नाइट एंड 8 डेज के लिए, और बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा हमारा। कैसा रहा, ऊँचा नीचा, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर आलू पनीर की सब्जी, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और सबकी बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही झटपट बन जाती है। कुकर में बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो सिंपल सा है ये तरीका, जैसे कि आप लोग घर में और भी सब्जियां बनाते होंगे, इसलिए मैं इसको पूरी रेसिपी को ऐसे बता नहीं रही हूँ आपको, लेकिन दिखा मैंने पूरी दी है, तो एंजॉय करो। ये देखा आपने, ये जो शिमला मिर्च आलू वाले आलू बचे थे ना, इसको मैं मटर आलू पनीर की सब्जी में यूज कर लूंगी, तो कोई सब्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी।
भीड़ अभी होने वाला है। क्या होना? हम एक से अरे क्या होना नहीं होगा मुझसे तो गाइज अब मैं वीडियो शूट के लिए अपना सेटअप रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मैं शूटिंग स्टार्ट करूंगी। मुझे 2-3 वीडियोस शूट करने थे इस दिन। तो जी मैंने अभी शूट शुरू ही किया था लेकिन मेरे घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनको लग गई है भूख। वो कह रहे हैं पहले खाना खिला दो उसके बाद वीडियो शुरू करना। तो पहले हम खिला देते हैं बिकॉज टाइम 1 तो बजी गया है। तो हम देखें हमारी मटर आलू पनीर। आहा जी ये देखो जी गर्मा गर्म मटर आलू पनीर और हमारे आलू की सब्जी भी यूज़ हो गई है ना। इसे कहते हैं क्या कहते हैं सुगण ग्रहणी। चीज़ों को वेस्ट ना होने देना घर में, इससे घर में बरकत बनी रहती है। तो अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया कसूरी मेथी और फिर साथ में बनाते हैं फटाफट चपाती। मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था कि दीदी आप धनिया कैसे स्टोर करते हो बताना। गाइस तो मैं क्या करती हूँ जब धनिया आता है तो मुन्नी इसको वॉश कर देती है अच्छे से और इसके पीछे की डंडियाँ वगैरह काट कर इसको सूखने रख देती है पंखे के नीचे। आधे घंटे में धनिया जो है धुला हुआ धनिया एकदम सूख जाता है। उसके बाद उसको टावल से पोंछ के कट करके ऐसे बॉक्स में स्टोर करती हूँ, नीचे ये टिश्यू पेपर और फिर ऊपर ये टिश्यू पेपर। तो अगर थोड़ा सा भी गीलापन धनिया में रह गया तो वो ये सोक कर लेंगे। इस तरह से आपका धनिया धुला हुआ भी रहता है, पूरा हफ्ते से ऊपर चलता है और ख़राब भी नहीं होता और जब भी आपको डालना है तो आपको हर बार वॉश भी नहीं करना पड़ता। यस थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालनी है। अब एक बार इसको कम आँच पर चढ़ा देती हूँ, गर्म हो जाएगी। वैसे तो गर्म ही है अभी लेकिन फिर भी सर्दियाँ हैं ना। ये रही मेरी लंच की थाली। मैंने ले ली है थोड़ी सी सब्जी, ये भरवा हरी मिर्च। आई एम टू एक्साइटेड टू हैव दिस। एक चपाती और सैलेड। चलते हैं और मियाँ जी के साथ बैठ के लंच कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना काम वापस से शुरू करेंगे और मैं अपना। ये मेरी पूरी वीडियो शूट की तैयारी अच्छे से हो गई है। मैंने रिंग लाइट लगा दी, सारा सामान निकाल लिया, मेरे बाल बस थोड़े से सूखने बाकी रह गए हैं बट मैं 1-2 शूट्स तो कर ही सकती हूँ ऐसे। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं, फिर से मिलते हैं आपको आगे। अच्छा ये पता है क्या, ये मेरी कुछ ड्रेसेस हैं फ्लोरल ड्रेसेस जो मैंने मंगाई हैं अमेज़ॉन से, लेकिन मैं इसका कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ ये तो मैंने अपने वेकेशन ट्रिप के लिए मंगाई हैं। यस हम जा रहे हैं गोवा।
तो इसलिए मैंने मंगाई है। अगर आपको ये देखनी है वैसे मेरे व्लॉग्स में दिख जाएंगी, कहोगे तो मैं किसी हॉल वीडियो में भी इंक्लूड कर दूंगी अमेज़ॉन के, है ना। क्या कर रहे हैं? पकड़ लिया मैं। हो गया नहीं तुम्हारा ऑफिस खत्म? अभी चल रहा है, अभी थोड़ी देर और है। 4:30 बज गए। हाँ कोई बात नहीं। चाय बना रही हूँ। चाय भी नहीं अभी। क्यों? ठीक नहीं हुआ पेट? तो फिर कुछ और पीना? वो तुम पिला नहीं पाओगी। क्या? जीजू से देख लो, जीजू अभी भी मजे कर रहे हैं। क्या क्या पीना है? अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। इनो इनो पीना है क्या? आजकल तो इनो वाली हालत हो रखी है। जल्दी से वाइंड अप करके आ जाओ बाहर। तो इनका भी ऑफिस होने वाला है खत्म। पार्थ वाह, इसने चला रखा है यहाँ पर हॉट ब्लोअर, और रूम में आते ही मजा आ जाता है, हैं? और ब्लोअर देखो हमारा कहाँ चल रहा है। ओ माई गॉड, सॉरी फॉर शोइंग यू ये, बट वहाँ रखा। पार्थ इसके ऊपर क्यों रखा है बेटे? ये तो प्लास्टिक का है टॉप। नहीं, वो ज्यादा वार्म हो जाएगा। ऐसे मैं वो वाला स्टूल लेकर आती हूँ। प्लास्टिक की साइड पर टच करके देखो, इतनी ठंडी है। रहने दे भाई तू, ऐसे तो वो खुद ही जल जाता। नहीं बेटे, इट इज नॉट सेफ। ये एक कोरियर आया हुआ है मेरा, ये खोल के देख लेती हूँ मैं क्या आया है। ओके, टी शर्ट आई है। ये मैंने मोहित की टी शर्ट ऑर्डर करी थी। एक्चुअली मैं आजकल कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन। यस सरप्राइज। क्या हो रहा है मिस्टर इंडिया? कुछ नहीं हो रहा है। अकेले अकेले देख रहा है तू संभावना का ब्लॉग? मैंने नहीं देखा आज वाला है। ये देख पापा की टी शर्ट आई है, तेरी तो आ गई है सारी। तो मैंने अभी तक बताया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं वेकेशन पे, इसलिए बोलना मत। ओ माय गॉड, दिखा, इससे भी पता चलेगा। ओके गाइस, गेस, आई नीड विटामिन सी लिखा हुआ है मोहित की टी शर्ट पे। तो हम गेस करो कहाँ जा रहे हैं वेकेशन पे। हम एंड ऑफ दिसंबर में जाने वाले हैं, और व्लॉग करें बात तब, है ना। वेकेशन व्लॉग्स भी बनाने हैं कि नहीं, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। वेकेशन व्लॉग देखोगे तो बनाएंगे। झिंगा लाला हूँ नहीं हूँ लाला लाऊ। अब बस करो अब। खूबसूरत है ना? क्या हो रहा है? कुछ चौथ देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है गोरखा रेजिमेंट का गोरखा आ रहा है कोई।